Hello friends, I am Adila from Pakistan. I am a cake artist. I make video, vlogs, baking, cooking and much more. If you like anything in my channel, don't forget to subscribe me. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला सबको हर बुराई से, हर बीमारी से, हर शर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी एक नई डिश लेके आई हूँ। नई तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन हम बहुत शुरू से खाते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसे थोड़े डिफरेंट स्टाइल में लेके आई हूँ तो बहुत ही मज़े की बनेगी। वो है कीमा अंडे का सालन, ग्रेवी वाला, बहुत मज़े का बनेगा। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने जो था लहसुन, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, साथ में दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है, साथ में अदरक और 3 से 4 टमाटर और हरी मिर्चें 5 से 6 लेके इनको अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब हम जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने एक जो कढ़ाई ली है उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1/2 कप ऑयल का, और उसको थोड़ा सा मैंने गर्म होने दिया है। और उसके अंदर अब मैंने जो रफली चॉप्ड लहसुन किया हुआ था उसको मैंने इसके अंदर, गार्लिक जो था हमारा उसको मैंने वो जो ऑयल है उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा 2 से 3 बार हिलाएंगे, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। इसके अंदर आपने जो पेस्ट है लहसुन का वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो जलने लग जाता है। अगर आप कर भी रहे हैं पेस्ट, तो पहले आपने प्याज को ब्राउन करना है, फिर आपने पेस्ट डालना है, ठीक है। और अगर आप लहसुन डाल रहे हैं तो पहले लहसुन डाल लेना है, फिर आपने प्याज डालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा प्याज है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया है। और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है अदरक, और अदरक को डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई, दो तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर टमाटर और जो हरी मिर्च है उसको ऐड कर देंगे, और याद रहे कि इसके अंदर हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। और 1 चम्मच यहाँ पे टेबलस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पेस्ट का डाल रही हूँ। हल्दी का पेस्ट कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये फ्रेश हल्दी है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। खुद पता होता है कि हम ला के उसका पेस्ट बना के रखा है, एक प्योर चीज़ खा रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर हल्दी पेस्ट को करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो थी हमारी मसाला था उसको मैंने हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, ताकि ये अच्छे से जो हमारे टमाटर हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम आते हैं अपने कोफ्ते की तरफ। यहाँ पर जो कोफ्ते हैं चिकन के मैंने बना के उनको फ्राई करके रखा हुआ है। इसकी रेसिपी कुछ यूँ है कि 1 पाव मैंने चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के अच्छे से इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था चिकन के कीमे को। और इसके साथ मैंने 4 से 5 भुने चने, जो जिस जोन से हैं काले चने, ठीक है, उनको मैंने पाउडर बना के वो इसके अंदर डाल लिया था, साथ में नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के छोटे छोटे बॉल बना के, और इनको मैंने बहुत ही लाइट फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिया है, क्योंकि वो कच्चा गोश्त होता है, कच्चा कीमा होता है, ताकि वो अंदर से अच्छी तरह हमारा जो है पक जाए। और ये देख सकते हो आपके कितने ये सॉफ्ट बने हैं, और पक के और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो हमने मसाला बना के रखा था उसको मैंने छोड़ दिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और इसको हम कर लेते हैं फ्राई। इसको पानी, इसके अंदर भी आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, ठीक है। इसको वैसे ही हमने कच्ची ही सब चीज़ों को मिक्स करके और ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, पानी इसके अंदर नहीं डालना। और जो ऑयल हमारा बचा था उसके अंदर दोबारा जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पकने के लिए रख देते हैं, ताकि ये जो है इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो और ये थोड़ा सा पक जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छे से पक रहा है, और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा
वही जग वाला जिसके अंदर पेस्ट बनाया था, वही थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, ठीक है। और इसका मैंने जो है फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि इसकी जो भुनाई है अच्छे से हो सके। और इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अब डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने 1 चम्मच जीरे का और 1 चम्मच सूखा धनिया ऐड कर दिया है। और इसके बाद 1 चम्मच मैं इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अच्छे टेस्ट के लिए दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सॉल्ट टू टेस्ट आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जैसा आपका टेस्ट है आपने उतना इसके अंदर सॉल्ट डाल लेना है, ठीक है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है सॉल्ट का, अभी फ़िलहाल इतना डाला है। अगर मुझे कम लगेगा तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी, ठीक है। इसको मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमने पकने के लिए रख देना है ताकि ये जो मसाला है हमारा अच्छे से पक जाए। और इसको अब हम ढक देंगे ताकि ये पकता रहे और जो अपना ये मसाले का ऑयल है वो थोड़ा सा छोड़ दे। इसकी यही निशानी है कि ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो हमारा है वो अच्छे से पक चुका है, ठीक है। और अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर जो हमारे कोफ्ते हैं, मीट बॉल्स हैं, उनको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, ठीक है। और इनकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। आप देख सकती हो कितना मज़े का लग रहा है। और आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े के बने थे। इंशाल्लाह आपकी भी इसी रेसिपी के साथ कोफ्ते अंडे की जो हंडिया है बहुत ही मज़े की बनेगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यहाँ पर हमारा जो मसाला था बिल्कुल रेडी हो गया था, उसके अंदर भून लिया था कोफ्ते को हमने मसाले के अंदर। और इसके अंदर मैंने अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि इसकी हमने ग्रेवी बनानी है, तो पानी डाल के इसको अब हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और इसको अब हमने रख के 15-20 मिनट के लिए भून जाना है कि हमारा पक गया है। और हमारे जो एग थे वो भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो इधर सालन है, अंडे कोफ्ते का सालन, और वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इस स्टेज पे आके हंडिया ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, जिसको तरी बोलते हैं, वो ऊपर आ चुकी है। इसके साथ ऊपर मैंने इसके हरा धनिया डाल दिया है और गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपना जो चूल्हा है उसको बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं कि कैसी रंगत आई है और कैसी इसकी शक्ल आई है। और अब हम अपना जो सालन है कोफ्ते का उसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का ये कोफ्ते का सालन बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जो मैंने अंडे बॉईल किए थे उनको, 3 अंडे थे, तीनों को दरमियान में से कट करके हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करके हम इसके ऊपर रख देंगे, हमने इनको सालन के अंदर नहीं डालना, इसको ऊपर रखना है। ये खूबसूरती होती है कोफ्ते अंडे सालन की, इसलिए हमने इनको अंदर सालन के बिल्कुल भी डिप नहीं करना ग्रेवी के अंदर, ऊपर रखना है ताकि जो हमारी है डिश वो प्यारी सी लगे। और अंडे रख दिए हैं और अब इनके ऊपर जो हमारा हरा धनिया था हाफ मैंने पहले हंडिया में डाल दिया था और हाफ जो बाकी बचा है उसको मैं ऊपर इसके हरा धनिया को गार्निशिंग कर दूंगी, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों ने, जैसे मैंने अंडे कोफ्ते का सालन बनाया, आप लोगों ने वैसे ही इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है। बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी आपकी भी अंडे कोफ्ते की हंडिया। और यहाँ पर अब हम जो हमारा बॉल है इसको टिश्यू की मदद से साफ़ कर लेते हैं। जब भी कोई चीज़ सर्व करें, किसी के आगे आप कुछ खाना पेश कर रहे हैं, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बर्तन, हमारा बॉल, हमारी जो डिश है चावलों वाली सालन वाला बॉल, वो बिल्कुल क्लीन है साइडों से, ताकि खाना देखने में